हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस के बारे में कि इसके पेरिटोनियल रिलेशंस कौन कौन से होते हैं और इसके विसरल रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। ओके, तो देखिए, दिस इज़ द ड्यूडेनम फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ड्यूडेनम कहाँ एब्डोमेन रीजन में कहाँ प्रेजेंट होती है और इसके कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट की लेंथ कितनी होती है। ओके, और फ्लेक्जर्स के बारे में बताया था, तो ये सारा बताया था हमने फर्स्ट वीडियो में। तो अब आते हैं हम इस वीडियो में जो कि होगी हमारी ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके, तो देखिए, हमें ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट हो, चारों पार्ट्स के हमें पढ़ने हैं टू रिलेशंस। एक होते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस, एक होते हैं विसरल रिलेशंस। ओके, तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेरिटोनियल रिलेशंस। तो देखिए, सॉरी, दोनों रिलेशंस, मतलब पेरिटोनियल एंड विसरल। तो आते हैं हम मेन पॉइंट पे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इसके रिलेशंस को पढ़ना है टू पॉइंट्स में। एक होते हैं इसके पेरिटोनियल रिलेशन, और एक होते हैं इसके विसरल रिलेशंस। ओके, तो एक होंगे इसके विसरल रिलेशंस। ओके, अब देखिए, पेरिटोनियल रिलेशंस, इसकी बात तो हमने आपको यहीं करी दी थी कि देखिए ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, प्रोक्सिमल 2.5 एंड डिस्टल 2.5। प्रोक्सिमल 2.5 दिस इज इंट्रापेरिटोनियल एंड डिस्टल 2.5 दिस इज रिट्रोपेरिटोनियल। तो ये बात हमने कर दी थी, तो बस यहाँ पर भी वही लिखना है हमें, पेरिटोनियल रिलेशंस इसके थ्रू हम इसे टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रोक्सिमल एक होगा हमारे पास प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर और एक होता है हमारे पास डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो प्रोक्सिमल 2.5 एंड डिस्टल 2.5। ओके, प्रोक्सिमल 2.5 दिस इज मूवेबल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा इंट्रा पेरिटोनियल। ओके, तो ये प्रोक्सिमल 2.5 दिस इज मूवेबल बिकॉज दिस इज इंट्रा पेरिटोनियल, बट डिस्टल 2.5 दिस इज इनमूवेबल, या फिर बोल दीजिए दिस इज फिक्स्ड बिकॉज दिस इज रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रो पेरी मतलब पेरिटोनियल। ओके, तो फिक्स्ड बिकॉज दिस इज रिट्रोपेरिटोनियल। ओके, ये हो गया। अब आते हैं विसरल रिलेशंस पे। तो देखिए, आप ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, अगर ड्यूडेनम है तो विसरल में क्या पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से वेसल्स, कौन कौन सी डक्ट्स, मतलब किसके ऑर्गन्स रिलेशंस, ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, डक्ट, मतलब उनसे कहाँ कहाँ रिलेट करती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए विसरल रिलेशंस का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, आपको पता हो तो ड्यूडेनम हमारी रिलेटेड होती है लीवर के इन्फीरियर बॉर्डर से। किससे? ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट दिस इज रिलेटेड टू लीवर इन्फीरियर बॉर्डर। वो कैसे, देखिए आप डायग्राम पे जाइए। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड स्टमक होता है, इस साइड लीवर होता है। देखिए ना, दिस इज लेफ्ट लेटरल प्लेन, तो यहाँ क्या होगा, स्टमक, इस साइड लीवर होता है। आप देखिए, लीवर यहाँ पे है, तो बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज रिलेटेड टू लीवर, और लीवर में भी किससे रिलेट होता है, लीवर के इन्फीरियर सरफेस से। ओके, देखिए, लीवर के इन्फीरियर सरफेस से रिलेटेड होता है। अगर आपको इतना पता लग गया ना, तो आपके लिए इसके विसरल रिलेशंस बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता होगा कि लीवर की इन्फीरियर सरफेस में क्या होती है, पोर्टा हेपेटिस। लीवर की इन्फीरियर सरफेस में पोर्टा हेपेटिस होती है। देन कौन सा लोब होगा, कोडेट होगा या क्वाड्रेट होगा, क्वाड्रेट लोब। क्यों? पोर्टा हेपेटिस, क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर, दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर में। अगर पोर्टा हेपेटिस है, पोर्टा हेपेटिस मतलब दिस इज द मेन गेट ऑफ लीवर, तो बेसिकली पोर्टा हेपेटिस के अगर कंटेंट होंगे, तो पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट किससे रिलेट होंगे, हमारे ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट से। और पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट क्या होते हैं, डी ए वी,
हमने आपको लीवर की वीडियो बताया था कि पोर्ट हाइपरटेंशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पोर्ट हाइपरटेंशन के कंटेंट होते हैं DAV एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ओके। डी मतलब बाइल डक्ट, डी से डक्ट मतलब बाइल डक्ट, ऐसे होगी आर्टरी, वी से होगी हमारी पोर्टल वेन, वी से वेन, ओके। देखिए अभी सारा हमने ओरली बताया, डायग्रामेटिकली सारा समझेंगे हम यहाँ पे। तो ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट, दिस इज रिलेटेड टू इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर, ओके। तो ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर, ओके। तो ये क्या है, दिस इज इन्फीरियर सरफेस। अब बेसिकली इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें होती है दो चीज़ें, दो चीज़ें कौन सी होगी, एक होगी ये क्या होगा, दिस इज क्वाड्रेट लोब। देखिए एक होता है कोडेट, CAUDAT, कोडेट लोब, दिस इज प्रेजेंट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर, बट क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर, क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर पर, ये प्रेजेंट होता है हमारी इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा पोर्टा हेपेटिस, तो मैं ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली इन्फीरियर सरफेस है ना, देखिए ये लेटरल व्यू है, यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज लेटरल व्यू, ओके। तो ये क्या होगा, दिस इज पोर्टा हेपेटिस, ओके। अगर ये पोर्टा हेपेटिस है तो बेसिकली इसके कंटेंट क्या होते हैं, DAV एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ओके। तो सबसे एंटीरियर साइड क्या होगी, डक्ट, डक्ट मतलब बाइल डक्ट, तो सबसे एंटीरियर साइड में ये बाइल डक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दिस इज बाइल डक्ट। पोर्टा हेपेटिस का कंटेंट क्या होता है, DAV एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो बेसिकली ये क्या होगा, दिस इज एंटीरियर होगा एंड दिस इज मोस्ट पोस्टीरियर, ओके। तो डक्ट आर्टरी वेन, तो दिस इज बाइल डक्ट, आर्टरी कौन सी होगी, आर्टरी का तो आपको पता ही होगा कौन सी आर्टरी होती है, आर्टरी के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, सीलिएक ट्रंक, अगर आपको सीलिएक ट्रंक आता है तो यहाँ सारी ब्रांचेस देख लेंगे, ओके। तो सीलिएक ट्रंक की कौन सी ब्रांच लीवर को सप्लाई करती है, लीवर, क्यों, क्योंकि हमने बोला ना ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट दिस इज रिलेटेड टू इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर, तो लीवर को सप्लाई करती है हिपेटिक आर्टरीज, हिपेटिक आर्टरीज दीज आर द ब्रांच ऑफ प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी एंड द प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ कॉमन हिपेटिक, मतलब पूरी बात आ रही है सीलिएक ट्रंक पे, सीलिएक ट्रंक की एक ब्रांच होती है अगर आपको पता हो, उसे बोलते हैं दिस इज कॉमन हिपेटिक आर्टरी, तो ये क्या ड्रॉ की है, कॉमन हिपेटिक। देन कॉमन हिपेटिक, देखिए अभी बता रहा हूँ मैंने यहाँ स्पेस को छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है हमारी बोला ना डक्ट आर्टरी और वेन, तो ये क्या है, दिस इज पोर्टल वेन, ओके। मतलब अभी देख लेते हैं, तो दिस इज कॉमन हिपेटिक आर्टरी, आपको पता होगा कॉमन हिपेटिक आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, एंड आगे जाके ये टू पार्ट में डिवाइड होती है, टू पार्ट कौन से, एक होगा हमारे पास दिस इज प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी और एक होता है हमारे पास गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, ओके। और नाम से पता लग रहा है गैस्ट्रो ड्यूडिनल, मतलब गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी दिस इज रिलेटेड टू ड्यूडिनम, ओके। तो प्रॉपर हिपेटिक दिस इज कॉमन हिपेटिक डिवाइड इनटू प्रॉपर हिपेटिक एंड गैस्ट्रो ड्यूडिनल, ओके। तो डक्ट हो गया, आर्टरी हो गई, वेन, वेन कौन सी होती है, पोर्टल वेन। तो अब हम यहाँ पे पोर्टल वेन भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे पोर्टल वेन ड्रॉ कर दी है, ओके। मतलब जो ये हमारी दिस इज कॉमन हिपेटिक आर्टरी होती है ये पोर्टल वेन के उस साइड, मतलब इसके ऊपर नहीं है, इसके नीचे प्रेजेंट है, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, ओके। तो ये हो गया डक्ट आर्टरी वेन, इनकी नेमिंग कर देते हैं। देखिए DAV, डी से क्या है डक्ट, डक्ट कौन सी है, दिस इज बाइल डक्ट। आर्टरी कौन सी है, दिस इज ये वाली आर्टरी होगी हमारे पास गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। एंड वेन कौन सी होगी, दिस इज पोर्टल वेन, ओके। तो दिस इज पोर्टल वेन, ओके, ये हो गई। तो ये है बाइल डक्ट, ग्रीन वाली क्या है, दिस इज बाइल डक्ट, ओके। ये वाली सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अब हम देखते हैं इसके जस्ट आगे तो प्रेजेंट होता है, ये क्या है, दिस इज ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट, ये क्या है ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट, देखिए ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट और इसके जस्ट ऊपर क्या है,
हमारे पास लीवर की इन्फीरियर सर्फेस। ओके तो ये हो गया, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूरिनम। ओके तो डक्ट आर्टरी वेन दीज आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू, देखिए ना एंटीरियर टू पोस्टीरियर, डी ए वी डी ए वी प्रेजेंट होते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूरिनम के पोस्टीरियर साइड। ओके देन आपको पता होगा कि एक होता है इपिप्लोइक फोरामेन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, दिस इज इपिप्लोइक फोरामेन। और जबकि यहाँ पे क्या होगा, देखिए ना हमारा ड्यूरिनम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होती है, पैनक्रियाज। देखिए ना यार आपको बहुत कॉमन सी बात है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, यहीं पर ही तो पेनक्रियाज होगी, यहीं पे पेनक्रियाज होगी, और यहाँ पर ऊपर की साइड क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा स्टमक, यहाँ पर होगा स्टमक प्रेजेंट। ओके तो दिस इज स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज होती है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के इन्फीरियर रिलेशंस में क्या आएगी, पेनक्रियाज आएगी। तो देखिए ना फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, इसके नीचे क्या है, दिस इज पेनक्रियाज। ओके तो जो मैंने ये गोला किया है ये क्या है, दिस इज पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। ये क्या है, दिस इज इपिप्लोइक फोरामेन। तो दिस इज इपिप्लोइक फोरामेन हो गया। एंड देन देखिए आपको पता होगा कि इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर में गोल ब्लैडर भी होता है। ओके तीन चीज़ें देख लेना आप, इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर में तीन चीज़ें होती है, एक होता है क्वाड्रेट लोब, एक होता है पोर्टा हेपेटिस, एक होता है गाल ब्लैडर। तो बेसिकली यहाँ पे गाल ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा, तो बेसिकली दिस इज द फंडस ऑफ गाल ब्लैडर, देन ये इससे पेरिटोनियल अटैच होगी। ओके तो ये हो गया। ओके तो बेसिकली ये क्या होगा, दिस इज गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर का भी कौन सा पार्ट, फंडस पार्ट। देखिए ना गोल ब्लैडर के तीन, गोल ब्लैडर का बॉडी पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है, नेक रीजन होता है। ओके तो ओनली फंडस पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर ये रिलेट होता है हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से। ओके तो दिस इज गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर का फंडस पार्ट, तो दिस इज फंडस पार्ट ऑफ गोल ब्लैडर। ओके तो देखिए आपको इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर में तीन बातें ध्यान रखनी है, तीन कौन सी होगी, सबसे पहली होगी इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर में क्या होते हैं, क्वाड्रेट लोब। सेकंड क्या होता है, गोल ब्लैडर के लिए इंप्रेशन, मतलब गोल ब्लैडर भी इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है पोर्टा हेपेटिस। ओके बोथ थ्री, वन टू थ्री, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे, बोथ थ्री आर प्रेजेंट, ऑल थ्री, वन टू थ्री जो मैंने येलो से गोला गोला किया है, थ्री प्रेजेंट होते हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे। अगर आपको दिमाग में ये आ गए तो आपके लिए ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट के सारे रिलेशंस एकदम टिप्स पे आ जाएंगे। ओके तो देखिए ये हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इसके विसरल रिलेशंस को पढ़ते हैं फोर पॉइंट्स के अंदर। फोर पॉइंट्स कौन से होंगे, एक होगा इसका एंटीरियर रिलेशन, एक होगा इसका पोस्टीरियर रिलेशन, एक होता है इसका सुपीरियर रिलेशन, एक होता है इसका इन्फीरियर रिलेशंस। ओके तो इन फोर पॉइंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं विसरल रिलेशंस ऑफ ड्यूरिनम। अब फोर पॉइंट्स को यहाँ अप्लाई करते हैं तो कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले आते हैं एंटीरियर रिलेशंस। तो देखिए एंटीरियर रिलेशंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एंटीरियर रिलेशंस में आती है दो चीज़ें, क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर एंड फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। ओके तो बेसिकली ये भी एंटीरियर होगा, ए मतलब कि ये भी एंटीरियर रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, एंड दिस इज ये भी एंटीरियर रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है। ओके तो एंटीरियर में दो चीज़ें हैं, क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर, गाल ब्लैडर। देखिए आपको ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम ये है और आपको ये थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा, देखिए ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, बट अगर आप रियल में बॉडी में देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर साइड। ओके आप बोलेंगे सर ये तो ये तो इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर है तो इसके जस्ट सुपीरियर होना चाहिए ना, देखिए हाँ मैं बोलता हूँ दिस इज द इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर, बट इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर थोड़ा कर्व्ड होती हैं, एकदम न्यू नहीं होती, हॉरिजॉन्टल थोड़ा कर्व्ड होती है, तो बेसिकली होने में तो ये इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर है बट ड्यूडिनम से रिलेट होती है कहाँ पे, ड्यूडिनम। ओके इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर है, ओके सही है, लेकिन जो इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर के टू पार्ट होते हैं क्वाड्रेट लोब एंड गॉल ब्लैडर और फंडस, बेसिकली ये ड्यूडिनम के एंटीरियर रिलेशंस में होते हैं। तो एंटीरियर रिलेशंस में दो पॉइंट, क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर।
उसके बाद आता है सेकंड में पोस्टीरियर रिलेशंस, तो पोस्टीरियर में क्या आएंगे ये तीनों, बोथ थ्री डी ए वी, ये तीनों क्या हैं, दीज आर द पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ, दीज आर द पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ किडनी, सॉरी किडनी नहीं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ओके। तो ये तीनों है बाइल डक्ट, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी एंड दिस इज पोर्टल वेन, सॉरी हम यहाँ नाम लिखना भूल गए, ये क्या है, दिस इज कॉमन हिपेटिक आर्टरी, दिस इज कॉमन हिपेटिक आर्टरी, ओके, दिस इज द ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, कॉमन हिपेटिक आर्टरी, दिस इज ब्रांच ऑफ, दिस इज ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, ओके, एंड ये वाली कौन सी होगी, इस आर्टरी का नाम है दिस इज प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, दिस इज प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, ओके। तो कॉमन हिपेटिक डिवाइड इंटू टू पार्ट, प्रॉपर हिपेटिक एंड गैस्ट्रो ड्यूडिनल, दिस इज गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, ओके। तो तीनों क्या है, दीज आर द पोस्टीरियर रिलेशंस। इसके बाद आते हैं इसके सुपीरियर रिलेशंस, तो सुपीरियर में क्या आता है, एपिप्लोइक फोरामेन, देखिए ये बेसिकली इसके सुपीरियर प्रेजेंट होता है, ओके। देखिए आपको डायग्राम में थोड़ा अजीब दिख रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये समझाने के लिए लिखा है, ओके। एक्चुअल में क्या होती है, एकदम स्ट्रेट नहीं होगी ना, थोड़ी बेंट हो जाएगी, अगर थोड़ी बेंट हो गई तो जस्ट एपिप्लोइक फोरामेन कहा जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के, ओके। तो ये आ जाएगा, देन इन्फीरियर में क्या आएगा, इन्फीरियर में आएगा पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज जाती है इन्फीरियर रिलेशंस, ओके। तो देखिए एंटीरियर में क्या है, दो चीज़ें, एक आया हमारा क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, एक आया गोल ब्लेडर, ओके। तो एंटीरियर में आया क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर एंड गोल ब्लेडर, जीबी मतलब गोल ब्लेडर। पोस्टीरियर में क्या है, डी ए वी, डक्ट आर्टरी वेन, तो डक्ट आर्टरी वेन है पोस्टीरियर में। सुपीरियर में क्या आया, एपिप्लोइक फोरामेन, एंड इन्फीरियर रिलेशंस में क्या आया, इन्फीरियर में आया हमारी पेनक्रियाज, ओके। तो दिस इज क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, जीबी मतलब गॉल ब्लेडर, डक्ट आर्टरी वेन जो ये हैं, एपिप्लोइक फोरामेन जो ये हैं, एंड पेनक्रियाज जो कि ये हैं, ओके। तो हमने सारे के सारे इन्फीरियर रिलेशंस की बात कर दी है, ओके। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के रिलेशंस। देखिए मैं पूरे पेज को वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा जहाँ से आपको सारा का सारा ये एक साथ मिल जाएगा। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ जाके कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम है तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।